कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी आज बन रहा है नाश्ता, क्योंकि आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं तो नाश्ता अमूमन जो है वो मलाइका और उषा ही सुबह बनाती हैं। सुबह हम नमाज पढ़ने के लिए जब मैं उठती हूँ तो उसी टाइम अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दे देती हूँ और वो ऑफिस चले जाते हैं। आजकल ज़ाहिर छुट्टियां, बच्चे ज़रा लेट उठ रहे हैं, तो आज जी मलाइका और उषा नाश्ता बना रही थी तो मैंने कहा सोचा कि क्यों ना छोटा सा एक ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, नाश्ते में क्या बन रहा है आज? हम जरा आपके लिए पराठा फ्राई करेंगे, आपके लिए स्मूदी बनाऊंगी और मैं अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स बनाऊंगी। पापा ने नाश्ता कर लिया था सुबह फजर के बाद। हाँ जी, फिर वापस चले गए थे। अच्छा ये देखिए, हम चार घर के बंदे और हमारे सबके रहता रहता नाश्ते होते हैं, ठीक है? तो चले आज आप देखें कि हम नाश्ते में अलग अलग क्या खाते हैं। अच्छा जी, चाय बन गई है, थोड़ी सी मैं पानी वाली चाय पीती हूँ, आप कह लें कि कहवे वाली, वो चाय बन गई है। अब साथ में जी पराठे फ्राई होंगे, अंडा जो है सुबह नाश्ते में मैं लेती हूँ, मलाइका और हमजा पराठा लेते हैं। अच्छा, मलाइका ये वाले पराठे खाती है और हमजा जो है ना उसके लिए ऑलरेडी मैंने जो आपके साथ पराठों वाला शेयर किया हुआ आटा उसके लिए मैंने वो वाले पराठे बनाती हूँ। इसमें मैं चिल्टन प्योर के शिया सीड्स और मिक्स नट्स यूज़ करूँगी, साथ एक एप्पल है और एक बनाना है और साथ हनी। हाफ कप वाटर मैंने पहले ही ऐड कर दिया अंदर। ये पराठे बहुत अच्छे हैं, सुबह सुबह जल्दी बन जाते हैं, बस इसीलिए अच्छे हैं ना, कोई मेहनत नहीं आपको बीबी करने का। सही बात है, सुबह से उठती हैं ये, बस ये पलने शुरू करती हैं और बना लेती हैं। मलाइका को पराठे के साथ बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा पराठा अपना जो है वो बटर के साथ बनाती है, यानी कि मक्खन के साथ। और आपको पता है कि आई साइट के लिए मक्खन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए, हाइट के लिए, और नाश्ता हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। बहुत अच्छा मलाइका माशाल्लाह पराठा बनाया आपने। अच्छा जी, पराठा बन गया है और साथ अब हमजा के लिए मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ एक आटा शेयर किया हुआ है जो मैं हमजा को देसी गंदम का देती हूँ। तो अब हमजा के लिए जी हम दूसरा पराठा बनाते हैं, क्योंकि वो देसी गंदम का खाता है, वो बिल्कुल कोई रेडीमेड की चीज़ें नहीं खाता। शुक्र अल्लाह का, वैसे ये लाख बार शुक्र है। जी वाह, बड़ा ही मलाइका तुमने वैसे गोल पराठा बनाया। थैंक यू। क्या कर रही हो? हमारे लिए पीस कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, नाश्ता बन गया है, अभी सिर्फ अनुषा जो है वो चाय ला रही है, तो फिर हम सारे ही मिलके ना इस टाइम नाश्ता करते हैं और बड़ा ही हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, आपस में गपशप लगाती हैं हम तीनों, क्योंकि इनके पापा, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं। हमजा जो भी नाश्ते में सालन हो वो लेता है, कल मैंने सालन नहीं बनाया था, ये रात को मैं अम्मी से लेके आई थी, बहुत ही मज़े की अम्मी ने दाल बनाई थी। अच्छा, साथ में हमजा जो है वो दही लेता है, साथ शहद ले लेता है, साथ में मार्जरीन ले लेता है, ठीक है? अनुषा का वो नाश्ता है, मलाइका का वो नाश्ता है, बस अब भूख लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, मेरा दिल कर रहा है हम जल्दी जल्दी नाश्ता करें। अनुषा कितनी देर है? अनुषा को मग के साइडों पे लगी हुई चाय बहुत बुरी लगती है, इसलिए उसे हमेशा वो चाय को जग में डाल के छान लेती है और फिर मग्स में डाल के जी सर्व करती है। मामा थोड़ा काम तो नहीं है नाश्ता? नहीं माशा, उतना ही है जो हम रोज लेते हैं। अच्छा जी, स्मूदी भी बन गई है। अच्छा, और सबसे पहले नाश्ते में सबसे पहले जी हम सब जो है वो लेते हैं मेथी दाना। इसका ऑलरेडी काफ़ी रिव्यू जो है वो मेरे चैनल के ऊपर है, इससे अगर आप ले, एक तो इससे आपके हार्मोन्स जो है वो रेगुलर होते हैं और साथ में आपके वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा है। जिन लोगों को इंस्टेंट स्वेलिंग रहती है, बस इतनी सी आपने क्वांटिटी लेके पानी, इसी पानी के साथ आपने इसे खा लेना है, पी लेना है। सॉरी जी, हम सब ने नाश्ता शुरू कर दिया और अभी अरुषा जो है वो अपना नाश्ता बना रही है। अच्छा, और हमजा को अब मैं आदत डाल रही हूँ कि वो खुद खाया पिया करे अपना खाना। अरुषा, तुम कॉर्नफ्लेक्स खा रही हो? हाँ जी, अब इसके अंदर मैं एक बनाना ऐड करूँगी। ठीक, हमजा ने दुआ पढ़ ली है। चले मलाइका, आप भी कैमरा रखे और नाश्ता शुरू करें जी। ये भी खा रही हूँ। हाँ जी, ये बस डाइटिंग कर रही हूँ। अच्छा जी, नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है और मौसम बहुत ही प्यारा है। अच्छा, आप लोग पूछते हैं कि आप चाय में क्या ऐड करती हैं, तो चाय में जी मैं शक्कर ऐड करती हूँ, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से आपको इजीली मिल जाती है। अच्छा, इसका ये फ़ायदा होता है जो लोग मीठा नहीं छोड़ सकते या जो लोग डायबिटिक हैं, वो ये है कि वो इसमें ज़रा लेस कैलोरीज होती हैं। अव्वल तो कोशिश करें कि ये भी ना लिया करें, ये मलाइका और उषा लेती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल हम लोग फीकी चाय पीते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी लेके ये चाय के अंदर ऐड कर लेती हैं और इन्जॉय करती हैं। अच्छा जी, ये सुबह सुबह उषा की ड्यूटी होती है कि हमजा को शॉवर देना है और पराठा तैयार कर देना है, फिर हमजा जो है वो स्टडी करने के लिए बैठता है और पाउडर जो है ना वो हमजा माशाल्लाह इतने जोश से लगाते हैं कि शोला ना लग जाता है हमजा को। चलें जी, हमजा रेडी हो गया। अच्छा जी, नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया था, अब जी किचन संभालने की बारी जो है वो मलाइका की है। सारा किचन जी मलाइका सेट करेंगी और बस हर चीज़ रेडीमेड हुई और नाश्ते बन गए।
जैसे ही रात को मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी अपलोड की कि जी ये मैंने मास्क लगाया है, तो मेरा पूरा इंस्टाग्राम जो है वो भर गया था। आप यकीन करें, ये कोई तबाही चीज़ है, कोई मैजिकल है, कोई इसके तरह जादू है कि आप देख लें कि जैसे ही इस क्ले को हमने लगाया और साथ ही जितने भी वाइट हेड्स थे वो खुद ही पॉपअप होकर बाहर निकल आए। अच्छा जी, ये है चिल्तन प्योर का चारकोल क्ले परफेक्ट ऑयल कंट्रोल, जो कि इतनी आसानी के साथ जैसे ही आपने इस क्ले को अप्लाई करना है इसने सारे वाइट हेड्स बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, इस तरह ये क्ले पाउडर ज़ाहिर पाउडर फॉर्म में आता है, एक चम्मच आपने इसकी ले लेनी है, साथ में ही जी आपने ले लेना है चिल्तन प्योर का ये एप्पल साइडर विनीगर। ठीक है, बहुत कमाल की चीज़ है। जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं उनको आज मैं एक टोनर भी बनाना सिखाऊंगी और साथ में ही उनको मैं ये क्ले मास्क बताऊंगी। आप इसे एप्पल साइडर विनीगर को आप स्किन पे, बालों पे, सब पे यूज़ कर सकते हैं और ये इतना इफेक्टिव है कि जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं यकीन करें मैं कुछ नहीं बता सकती कि जितना इसने मैजिकल काम किया। अच्छा जी, साथ में ही आपने एप्पल साइडर विनीगर की 1 टेबल स्पून जो है आपने इस क्ले के अंदर ऐड कर लेनी है। इसे मिक्स करना है थोड़ा सा, अगर आपके पास रोज़ वाटर है रोज़ वाटर ऐड करके आप इसका पेस्ट बना लें, अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पानी भी ऐड कर लें, लेकिन साथ में आपने एप्पल साइडर विनीगर जो है वो मस्ट ऐड करना है। ठीक है, इस तरह ये क्ले बन जाएगी। आप अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई करें, हफ्ते में आपने 5 दफ़ा अप्लाई करना है, लेकिन फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करने से ना इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, साथ में आपने आधा ग्लास जो है वो पानी का ले लेना है, उसके अंदर आपने 3 चम्मच जो है ना वो एप्पल साइडर विनीगर के ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह शेक कर लेना है। कोई भी स्प्रे बॉटल है उसके अंदर रख लें, जैसे ही आपने ये क्ले लगानी है उसके बाद आपने अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लेना है। गारंटी के साथ यकीन करें मैं शर्तियाँ कहती हूँ कि आप लोगों के जितने मसले हैं स्किन के अकॉर्डिंग वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे, एक्नी फ्री आपकी स्किन हो जाएगी, क्योंकि आपने लाइव इसके रिजल्ट देख लिए हैं। ये हम सुबह नाश्ते के बाद तकरीबन आप कह लेना मलाइका रुशा लगा लेती हैं, क्योंकि रुशा को भी थोड़े से आजकल ओपन पोर्स हुए हुए थे, उसको थोड़ा सा ये मसला था, लेकिन आपके सामने है कि ये किस तरह ऑयल को कंट्रोल करता है। जिन लोगों ने ईद के बाद बहुत ज़्यादा ज़ाहिर गोश्त खाया है, बर्गर पिज़्ज़े जिस तरह ये बच्चे हमारे आजकल बहुत खा रहे हैं, ये देखें आप नोज़ के सारा साइडों के ऊपर जितने भी वाइट हेड्स है वो बाहर निकल आए हैं और साथ में इसने किस तरह ऑयल जो है वो इसने अब क्ले ने अपने अंदर जज्ब कर लिया है। ठीक है, और आप सिर्फ वाइट हेड्स देखें कि अभी क्ले पूरी तरह ड्राई नहीं हुई और ये साफ नज़र आ रहे हैं कि वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो हैं वो खुद ही वो आसानी के साथ बाहर निकल आएंगे। ठीक है, और आपके पोर्स की ये अंदर तक सफाई करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है और यकीन करें हर सबसे बढ़ के 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है। अच्छा, आप सिर्फ ये अरुषा के चेक करें कि इसके कितने ओपन पोर्स थे और इसने कितनी आसानी के साथ, ये देखें जी सारी पस जो है, जो सीबम है अंदर से वो सारा बाहर निकल रहा है। आप कह लें बर्गर पिज़्ज़े बाहर निकल रहे हैं और हमज़ा ने कहा कि मैंने भी लगवाना है, और आप यकीन करें मैं हैरान रह गई कि जब हमज़ा ने लगाया और हमज़ा के कितने वाइट हेड्स जो है वो बाहर निकले हैं। अच्छा, वॉश करने के बाद जब ये ड्राई होगा तो साथ में ही हम इसके ऊपर स्प्रे कर लेंगे, जो कि टोनर मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। आप इसे हफ्ते में 5 से 6 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिलेंगे, स्किन बहुत खूबसूरत होगी। अच्छा जी, अभी मैं हमज़ा को पढ़ा रही हूँ और हमज़ा को पढ़ाते हुए ना चाय के 6 कप भी हो तो वो कम है। ठीक है, अभी ये मुझे दोबारा से मलाइका ने चाय बना के दी है। अच्छा, ये नहीं है कि हमज़ा मुझे पढ़ते हुए तंग करता है, लेकिन इतनी बातें करता है कि आपकी सोच। अच्छा, अभी ये चारकोल क्ले जिसका मैंने अभी आपके साथ रिव्यू शेयर किया है, मुझे इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि अभी हमें अच्छा सा कोई होम मेड टोनर और साथ में हमें अच्छा सा कोई ऐसा बताएं जिसके साथ हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो है वो इजीली निकल जाए और साथ में हमारे जो भी ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाए। आप खुद देख लें कि कोई तबाही आ गई ना, कोई बॉम्ब या तबाही चीज थी ये, सच में ये वो थी जब मैंने इसे यूज किया और मैं खुद भी इसे देख के हैरान रही। अच्छा, इसके वाकई इतने इसके मैजिकली रिजल्ट थे कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इस तरह स्किन के ऊपर जैसे ही अप्लाई करते हैं, आपको पता है क्ले अप्लाई करना कितना आसान काम है, ऐसे ही मैंने क्ले जिस तरह हमने अप्लाई की तो वो खुद ही सारे पॉपअप होकर ना बाहर निकल आए, जो व्हाइट हेड्स थे और जो ब्लैक हेड्स थे आपके सामने है। अब इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, यकीन करें मेरा दिल ही खुश हो गया। जिन लोगों की शादी होने वाली है लड़के लड़कियां इसे इजिली यूज कर सकते हैं। अच्छा, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कोड जो है वो आपको स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा होगा, जब आप वो एंटर करेंगे तो आपको 10% जो है वो डिस्काउंट भी मिलेगा। इस प्रोडक्ट अभी मैं गिव अवे कर रही हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है कि आपने मुझे बताना है कि रुषा नाश्ते में क्या खाती है। ठीक है, आपने वो उस नाश्ता रुषा का लिख के कि वो ये खाती है, साथ में आपने डन का कमेंट करना है और साथ में अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो मेंशन कर देनी है। तो इंशाल्लाह ताला जो एक लकी विनर होगा उस तक ये चारकोल क्ले जो है वो मैंने क्योंकि 2 बाय की थी, एक अपने लिए एक आपके लिए, आपके घर तक पहुंच जाएगी। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सब बेटियों को हमेशा अपने माँ बाप के साथ ऐसे ही जोड़ के रखे, क्योंकि बेटियां मैं कहती हूँ ये रहमत और नेमत से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि हर माँ बाप को जाहिर अपनी बेटियां बहुत प्यारी होती है और मेरी जो बेटियां हैं वो जाहिर मेरा गुरूर है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अब आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।